इंदौर में तीन युवकों को बर्थडे पर चाकू लहराकर केक काटना भारी पड़ गया। पुलिस ने न सिर्फ तीनों को हिरासत में लिया बल्कि सजा के तौर पर तीनों से वृद्धाश्रम में साफ सफाई भी करवाई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने एक बार फिर अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को अनूठा आदेश देकर सजा सुनाई है। डीसीपी अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले दिनों लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनों आरोपी लकी, कुलदीप, गौतम निवासी रविदास नगर ने चौराहे पर चाकू से केक काटकर बर्थडे मनाया था। इस दौरान बदमाशों ने बीच सड़क पर चाकू लहराए थे, जिसके बाद थाने की पुलिस ने तीनों को पकड़कर पुलिस आयुक्त न्यायालय के समक्ष राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिवेदन पेश किया, जिसमें पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने तीनों को 6 माह तक हर शनिवार वृद्ध आश्रम में सेवा देने के लिए ड्यूटी लगाई है, जिसके पालन के लिए तीनों मां कनकेश्वरी वृद्ध आश्रम छोड़ गए हैं। यहां नवाचार से कई बदमाशों को सबक भी मिलेगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। अब इन बदमाशों को अगले 6 माह तक वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं देनी होगी, नहीं देने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि जो घटनाएं होती है तो उसमें पुलिस एफआईआर करती है, उसके बाद फिर जो है उनके जो आरोपी है उनके खिलाफ जो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक ये जो एक अलग पहल की गई एफआईआर के साथ साथ जो दो घटनाएं घटी थी, एक विजयनगर में, एक लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत। लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो चाकू की जो वो है चाकू लहरा रहे थे 78 में कुछ लड़के बर्थडे का केक काटते समय, तो जिसे पुलिस ने एफआईआर किया था। उसके बाद सेक्शन 3 इसका राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनका इस्तगा इनका प्रतिवेदन बना करके माननीय सीपी न्यायालय के समक्ष सीपी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कोर्ट सीपी कोर्ट से इनको आदेश आया, जिसमें इनको कनकेश्वरी देवी वृद्धाश्रम में इनको हर शनिवार को 3 घंटे सेवा करने का जो है वो आदेश दिया गया। तो जिसके तारंतर में भी पालन में शनिवार को उनको कनकेश्वरी देवी के जो आश्रम है उन्होंने वहाँ पर सेवा दी है 3 घंटा। इसको जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनके समक्ष उनको हमेशा हर सप्ताह जो है ये उपस्थिति देनी है, ये 6 महीने तक इस तरह की ये जो है ये काम करना है। उसी तरह से ये दूसरी घटना एक विजयनगर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, इसमें ओवरटेकिंग गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर कई बार जो गंभीर घटनाएं भी घटित हुई है, तो इसमें भी एक ओवरटेकिंग को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें जो एक गाड़ी का जो शीशा है उसको तोड़ा गया था। तो उस पर भी सीपी कोर्ट के द्वारा जो है आदेश पारित किया गया है, उसमें भी जो आरोपी हैं उनको गाड़ी न चलाने देने का आदेश दिया गया, तो वो ना गाड़ी पे चला सकते हैं ना गाड़ी बैठ सकते हैं गाड़ी पर बैठ सकते हैं। तो एक तो जो है ये पहली समस्या जो है वो कनकेश्वरी में जो वृद्धाश्रम है उनके अधीक्षक से पुलिस लगातार संपर्क में रहेगी, ताकि अगर वो जो अगर उपस्थित नहीं होते तो उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई एक सेपरेट एफआईआर पे जो कानून के तहत प्रावधान के तहत एक रजिस्टर किया जाएगा। साथ में जो गाड़ी का जो है उनको अपन एक तो आरटीओ को भी लिखेंगे, इसके संबंध में जानकारी देंगे, और इसके संबंध में इसके उनके आसपास वो जो पूरे मोहल्ले में जा वहाँ पे भी पुलिस जो है इसको प्रचारित करेगी, ताकि इस तरह की अगर कोई भी सूचना देगा और अगर वो कभी गाड़ी यूज करते हैं चलाते हैं तो पुलिस को सूचना मिल जाएगी और उस पर फिर वैधानिक कार्रवाई की। देखिए इस तरह से सजा का एक दंड जो हमारी जो है उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं सुधार की भी हम लोग जो है वो करते हैं कि सुधार भी होना चाहिए अपराधियों में। तो जैसे अगर वृद्धाश्रम में मनसा ये है कि वृद्धाश्रम में सेवा करेंगे तो वहाँ के लोगों की पीड़ा को देखेंगे और एक सेवा भाव उनके मन में जागेगा, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं करित कहीं ना करनी करित करने से पहले दोबारा सोचेंगे। तो ये एक ओवरऑल उद्देश्य था हमारा। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।